हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जुक्की मशीन का लूपर कैसे लगाते हैं और बिलेट नया कैसे लगाते हैं और धागा 4 थ्रेड का धागा कैसे डालते हैं, ये 3 वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाया हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए दोस्तों। मैं आप लोग को चलिए दोस्तों आप लोग को मैं दिखाता हूँ कैसे वीडियो पर लगाते हैं, कैसे बिलेट लगाते हैं, कैसे धागा लगाते हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना हुआ है दोस्तों वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसको लूपर को आगे पीछे कर सकते हैं, प्लेट के बीच में गिर रहा है कि नहीं दोस्तों, एक देख देख लीजिए एक सुई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों देख लीजिए, इंटरलॉक सनफा कंपनी का है, सनफा कंपनी का। तो ये दोस्तों आया है हमारे पास बनाने के लिए रोल पास है। तो दोस्तों अभी इसका हम लोग इसमें देखिए टाका नहीं पकड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग को दिखा दूँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये देखिए ऊपर वाला लूपर देख लीजिए दोस्तों, एकदम अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, ये लूपर सुई एकदम इसका ठीक है। दोस्तों ये जो नीचे वाला लूपर है दोस्तों, इधर देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा दूँ। इधर देख लीजिए दोस्तों, इधर ये देखिए लूपर कितना दूरी है, कितना दूरी किया है सुई से। तो दोस्तों यहाँ से लूपर मुड़ गया है, ये सुई का जो लूपर है ये मुड़ गया है, देख लीजिए वहीं से बैंड हो गया, आधे से थोड़ा सा मुड़ गया, उस साइड में पीछे घूम गया है। दोस्तों यही है, देख लीजिए इसमें अभी इसको कैसे सेट करना है यहाँ से दोस्तों इसका। तो दोस्तों इधर देख लीजिए, अभी ये लूपर हमको फेरना है। तो लूपर फेरने के लिए दोस्तों हमको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका एक पेच है, यहाँ पर एक पेच है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेच है, इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ये लूपर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों इधर देख लीजिए, ये खुल गया है, बहुत ध्यान से खोलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से खोलिए दोस्तों इसमें इसको, क्योंकि दोस्तों इसमें आ जाके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये पेज खुल गया है। तो बहुत ध्यान से खोलिए, तो कहीं छलक सकता है, कभी कभी पेज ख़राब होता है, ज़्यादा ध्यान करके एकदम अच्छे से करके खोलिए। इसको खोलना है तो खोल दिया हूँ अभी, देखिए। तो दोस्तों इधर देख लीजिए लूपर निकल के, लूपर देख लीजिए दोस्तों, ये बैंड है, आपको रख के दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर ये लूपर यहाँ से बैंड है दोस्तों, यहाँ से मुड़ गया है, यहाँ से आधे से मुड़ गया है। और दोस्तों इस मशीन को चलते हैं, नया लूपर लगाते हैं, इसमें इसके लूपर लगाएंगे, कैसे लगाते हैं, कहाँ कैसे मिलाते हैं, दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों इधर देख लीजिए, लूपर में ले लिया हूँ, लूपर आ गया है, लूपर निकाला हूँ, लूपर आ गया नया वाला लूपर। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा इंटरलॉक के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग इस लूपर को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों जैसे खोले हैं वैसे ही टाइट करना है। दोस्तों चलिए इसको टाइट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके दोस्तों, इसमें कौन सा पुराना कौन सा नया लूपर है। दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों देख लीजिए इसमें दोस्तों, ये आगे वाला जो है पुराना वाला लूपर है, पीछे वाला नया लूपर है। दोस्तों देख लीजिए आप लोग कितना बैंड है, देख लीजिए बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। तो दोस्तों इसको देख लीजिए आप लोग, इधर देखिए बहुत ज़्यादा बैंड है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो दोस्तों इधर देख लीजिए, एक साइज में है, तो इसको लगाते हैं, देख सकते हैं इसमें। तो इसको एक हाथ से लूपर, एक हाथ से पेच पकड़ के उसके बाद में लगाना है। इधर देख लीजिए पेच है, एक हाथ से लूपर ऊपर से पकड़ना है, एक नीचे एक हाथ से पेच पकड़ना है, तो ऐसे ही लगाना है। तो इसको टाइट करते हैं, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, देख लीजिए अभी ये टाइट हो गया है, तो अभी टाइट पूरा नहीं किया। तो साथ ही अभी देख लीजिए, इसको ऐसे करके पूरा अच्छे से पहले लूपर को बैठा लीजिए, लूपर को बैठाने के बाद में इसको टाइट करिए। तो साथ ही देख ले सकते हैं, मैं इसको मिला लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। साथ ही इसको मिलाने के लिए तो पहले इसका पहले लूपर को अच्छे से बराबर एक लेवल में दोनों लूपर का बैलेंस देख लीजिए, छोटे और बड़े वाले लूपर का बैलेंस देख लीजिए। देखने के लिए आपको लूपर का बैलेंस अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, अगर वीडियो में बने रहिए। और साथ ही अगर इसको लूपर को बड़े वाले लूपर को आगे घुसकाना है, अपने साइड लेकर आना है, आगे पीछे करना है, तो साथ ही पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नट है छोटा सा, ये वाला नट साथियों जो है, ये नट खोलेंगे और उसके बाद में लूपर इसको लगाएंगे। तो ये लूपर को इधर उधर घसका लेंगे, तो साथ ही इसको यहाँ से ये नट खुलेगा, यहाँ से लूपर खुलने वाला जगह है, और छोटा वाला लूपर जो है साथियों देख सकते हैं यहाँ पे है। ये छोटा वाला लूपर आगे पीछे निकालने, आगे पीछे करने के लिए है, और बड़ा वाला लूपर के लिए यहाँ खोलना, आगे पीछे करना, यहाँ लूपर खोल के निकाल लेना है लूपर। साथियों बने रहिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आगे बने रहिए वीडियो में। तो साथियों देख लीजिए, मैं लूपर ये लूपर लगा दिया हूँ। तो साथियों आप लोग देख लीजिए सकते हैं, यहाँ पे देखिए सुई को टच करते हुए, देखिए सुई ऊपर उठा रहा है, देखिए सुई ऊपर उठा दे रहा है, आपको इधर से दिखा देता हूँ। इधर देखिए अभी देखिए सुई को टच करते हुए ज़्यादा जा रहा है, तो इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको पहले मिला लेता हूँ, तो ऐसे देखिए लूपर अगर अच्छे से बैठ गया तो ये सुई से टच होके जाएगा, तो ये सुई टच होके जा रहा है, तो इसके मतलब ये लूपर सीधा ही है, और लूपर साकेट में अच्छे से बैठ गया है। तो अच्छे से अगर जो लूपर हल्का सा भी आगे पीछे होगा तो समझ लीजिए लूपर या नीचे ज़्यादा है या ज़्यादा ऊपर है।
तो इसको भी ध्यान दीजिए। लूपर, बड़ा वाला लूपर लगाने में नट खोल के आप लोग उधर देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा है, उसके ऊपर रखते हैं और इसके घाट में जाके बैठ जाना पड़ा। अगर नहीं बैठेगा तो लूपर अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। तो बहुत ख्याल से इसको ध्यान दीजिए। और देख लीजिए स्विच टच होकर जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा अभी ये वाला नट, ये बड़ा वाला नट खोलूँगा, ये बड़ा वाला नट खोलूँगा, ये नट को खोल के उसके बाद थोड़ा सा पीछे करूँगा, हल्का सा पीछे करूँगा ये लूपर साकेट को। तो साथियों और इसमें और देखना है इसका, देख लीजिए ये जो छोटे वाले लूपर हैं ये कितना टच हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कितना टच होकर जा रहा है बड़े वाले लूपर से। तो साथियों लूपर बड़ा वाला, छोटा वाला भी ठीक है लेकिन बहुत आगे है, तो इसको अभी प्लेट लगाने के बाद में करना है। छोटा वाला लूपर को मिलाएंगे प्लेट लगाने के बाद में, क्योंकि लूपर भी देखना है, सुई भी देखना है, प्लेट भी देखना है। तो ऐसे इसमें तीन चार चीज़ देखना है। तो अभी मैं आपको लास्ट में भी और बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ और बताना है, दिखाना है मतलब, तो इसको दिखाते हैं। तो साथियों बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको। साथियों अगर जो सुई टच हो रहा है तो हल्का सा हम लोग यहाँ चुटकी को भी घुमा सकते हैं। जो चुटकी है, ये चुटकी जो इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे बड़ी मशीन छोटी मशीन में सब में होता है, तो इसमें भी होता है। तो इसको हम हल्का सा इधर उधर करके देख सकते हैं कहीं ढीला तो नहीं है, इसको भी चेक करना पड़ता है। तो चेक कर लेते हैं, अगर हल्का सा अगर नीचे से ना खोलें, एक सुई में ही टच हो रहा है, एक सुई में बाएं वाले सुई में सट रहा है लूपर और दूसरे वाले सुई में नहीं टच हो रहा है। साथियों पर हल्का सा इसको हम घुमा के देखेंगे, अगर हो सकता है इससे तो इसी से कर देंगे, नहीं तो लूपर साकेट आगे अपने तरफ में या पीछे साइड में कर लेंगे इसको। साथियों बने रहिए दोस्तों। ये है जो इसका नट, ये जो रिंची लगाएंगे यहाँ पर, तो ये ऊपर साइड में खुलेगा, नीचे साइड में टाइट होगा। ऊपर साइड में खुलेगा, नीचे साइड में टाइट होगा। ऊपर साइड में खुलेगा, नीचे साइड में टाइट होगा। तो दोस्तों इसको अगर लूपर को चेक करना है कितना टच है कितना नहीं, तो साथियों इसमें हल्का सा इसको ऐसे टच करके देख लीजिए, और फिर पहले वाला भी लूपर ऐसे ही चेक कर सकते हैं एकदम यहाँ पर ठीक है। और साथ ही इसका दूरी देख लीजिए, लूपर और सुई का दूरी कितना है। जो ये नीचे ये वाला दांती छोड़ के दूसरा वाला दांती है, उसके हल्का सा लास्ट वाले दांती के जो साइड है, इस साइड पे हम लोग इस लूपर का सुई का दूरी रखेंगे। दूरी थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा। और साथ ही इसको लूपर को आगे पीछे कर सकते हैं, नट ढीला करने के बाद में इसको आगे पीछे इधर उधर हम लोग खसका सकते हैं, घुसका सकते हैं। तो और इधर का भी हम लोग यहाँ का नट खोलेंगे, तो हल्का सा खोलिए, मतलब जितने में आगे पीछे हो जाए, ज़्यादा खोल देंगे तो पूरा इधर उधर हो जाएगा, तो आपको मिला नहीं सकते। बहुत हल्का सा देखिए, जब खुल गया, हाँ आगे पीछे हो सकता है, हल्का सा टाइट ही रहे तभी इधर उधर जो घुसक सकता है, तो उसी टाइम पर आगे पीछे करें और इधर उधर सब मिला लें। तो अभी मैं इसको मिला लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे लूपर का, दोनों लूपर का बताता हूँ दोस्तों। अब ये प्लेट लगाएंगे, प्लेट का ये रेडी हो गया लूपर, लूपर आपको रेडी हो गया, आपको दिखा दो कैसे हो गया हुआ है दोस्तों। इधर देख लीजिए, इधर सुई से यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इधर देखिए यहाँ पे सब दोस्तों, ये ठीक है, इधर ठीक है, ये भी दोनों सुई मतलब ठीक है, ये भी ठीक है, टच नहीं हो रहा है। और दूरी देख लीजिए दोस्तों, इधर कितना रखा हूँ, इधर देख लीजिए दूरी कितना रखा हुआ हूँ, इतना ही दूरी रखना है। और इसका आप देखेंगे, ये देखिए बड़ा छोटा वाला लूपर ज़्यादा सट रहा है, तो इसको अभी मैं प्लेट लगाने के बाद में मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। बड़ा वाला लूपर मिलाने के बाद में दोस्तों अब इसका देखना है हमको, ये देखिए प्लेट, बड़ा वाला लूपर लगा दिया, फिर प्लेट लगा दिया, प्लेट का दो पेच लगा दिया। तो दोस्तों अब हमको देखना है सुई प्लेट के बीच में गिर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों एक देखिए, एक सुई देखिए दोस्तों, एक सुई है, एक सुई बीच में गिर रहा है, हल्का सा सट के गिर रहा है, एक सुई इधर वाला सुई जो इधर सट के गिर रहा है इधर साइड में, बाएं साइड में। तो इसको भी सही करने के लिए दोस्तों ये दो पेच है यहाँ पे, ये दो पेच खोलेंगे साकेट का, इसको हल्का सा घुसकाएंगे, हल्का सा खोलेंगे, हल्का सा इस साइड में हल्का सा करेंगे, घुमाएंगे, तो हल्का सा देखते हैं, घुमाते हैं, इसको बीच में लेकर आते हैं। तो इसको आप भी कर सकते हैं ऐसे, ये दो पेच खोलेंगे, उसके बाद खोलने के बाद हल्का सा उस साइड मारेंगे, इस साइड में थोड़ी सी हल्का सा यहाँ पर ठोकेंगे, इधर घूम जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं प्लेट के बीच में आ गया है। तो अभी ये पेच ढीला था, ये ढीला था, ये पेच, ये देखिए पेच ढीला था, अभी इसको हम टाइट कर लेते हैं, टाइट करेंगे, टाइट कर लीजिएगा इसको, पूरा फुल टाइट कर दीजिए दोस्तों। अभी देख सकते हैं ये छोटा वाला लूपर, इधर देखिए कितना टच होकर आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, इधर देखिए, ये देखिए प्लेट में थोड़ा सा बच रहा है, सट जाएगा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग देख रहे होंगे इधर इस साइड में। तो इसको भी थोड़ा सा पीछे करेंगे लूपर के, छोटे वाले लूपर को इस साइड से, यहाँ से नट खोलेंगे, यहाँ से पेच खोल के आगे थोड़ा सा पीछे करेंगे, पीछे करके थोड़ा सा उसको मिलाएंगे दोस्तों। इसको भी बहुत ख्याल से ध्यान से देख के ही मिलाइए, पहले बड़ा वाला लूपर मिला लीजिए, प्लेट मिला लीजिए, दांती मिला लीजिए, उसके बाद में फिर छोटा वाला लूपर मिलाइए। तो चलिए छोटा वाला लूपर पहले मिलाते हैं इसको। इधर देख सकते हैं दोस्तों, अभी देखिए मैं इसका दूरी और इसका जो जहाँ पर मिलना है, देखिए प्लेट से दूरी कितना हो गया, बहुत ज़्यादा दूरी कर दिया हूँ लूपर का। अब पीछे देख लीजिए इसका, हम कितना थोड़ा सा पीछे किया हूँ, पीछे करके अभी इसको टाइट कर देते हैं पूरा फुल। तो दोस्तों अभी आप लोग को पूरा ये भी पेच, जितना नट आप लोग खोले हैं लास्ट में, पूरा जाते समय पूरा पेच खोल, जितना खुला था सबको एक बराबर टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद जैसे यहाँ का लूपर का पेच हो गया, प्लेट का पेच हो गया, दोनों पेच हो गया, सब साकेट का पूरा,
पूरा पेस्ट टाइट कर दीजिए, सुई का भी पेस्ट टाइट कर दीजिए, पूरा जितना है पूरा टाइट करके उसके बाद ही दोस्तों इसको मशीन को कस्टमर को दीजिए या अपना मशीन फिर रेडी चलाइए, इस मशीन को चलाने के लिए रेडी करिए पहले पूरा, फिर लास्ट में पूरा पेस्ट जांच कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे है, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए दोस्तों। मैं ऐसे ही पूरा यही है, अभी इसका ब्लेड का भी वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास इसका जो कंप्यूटर वाला है, ये कंप्यूटर वाला है, इसके वजह से हम लोग को चलाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ, तो हम लोग इसी जुगाड़ करके मतलब चलाए हैं। अभी देख लीजिए टाँका है, ये टाँका अभी देख लीजिए इंटरलॉक का टाँका ऐसे ही आया है, मतलब ये इंटरलॉक को हम लोग बनाए लोबर ओबर फेर के जो भी है इसको बनाए हैं तो ऐसे आया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अभी चलाएँ बहुत जुगाड़ से, अगर जो इसका कंप्यूटर रहता तो मैं आपको घोच घोच करके चला के दिखा देता, तो जो मैं आप लोग को बताए हूँ आप लोग को आशा यही है। देख लीजिए हमारे दाई हैं,